पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर जारी सियासत के बीच न्यूज 24 से खास बातचीत में कांग्रेस सांसद और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा है कि मांगने का अधिकार सभी को है, लेकिन यह सम्मान किसे दिया जाना है ये एक कमेटी तय करती है। वैज्ञानिक और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने के बाद एक बार फिर से मांग उठने लगी है, अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी दूसरे लोगों को भी भारत रत्न देना चाहिए। हमारे साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला हैं। सर, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने के पक्ष में आप लगातार थे, इसके बाद ये फैसला हुआ सरकार की तरफ से, अब बाकी लोगों को भारत रत्न दिए जाने की मांग हो रही है बीजेपी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी को। ये मांग करने का अधिकार सबको है, वो मांग करते हैं, समय आने पे उपयुक्तता देख के पात्रता देख के लोगों को दिया जाता है, तो पात्रता उपयुक्तता देख के जो लोग उसमें आएंगे उनको दिया जाएगा, और जिन जो 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 नाम जो जो लोग अपने मांग कर रहे हैं उनकी सबकी मांगों पर सरकार विचार करती है, फिर एक प्रक्रिया का पालन करके उसके जरिए लोगों को देती है। सरकार सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, आपको लगता है कि जिस तरह से एक राजनीति शुरू हो गई है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न काफी देर से दिया गया। देखिए, मोदी जी तो कुछ भी बोल रहे हैं, मोदी जी को तो हर चीज में वोट नजर आ रहे हैं, तो इन लोगों ने करीब 7-8 साल तो भगवान राम को बेचा, उनसे वोट लिया, अब भगवान राम के अनुयायी मान नहीं रहे, उनके झांसे में आ नहीं रहे, तब उन्होंने सरदार पटेल की दुकान लगाई है, उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार पटेल जो एक्चुअली नफरत करते थे आरएसएस से भी और जनसंघ से भी और इस तरह के लोगों से भी, सरदार पटेल को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच रहे हैं। सरदार पटेल की आत्मा कभी भी इन लोगों को इसके लिए माफ नहीं करेगी, सरदार पटेल इसका कोई मतलब ही नहीं, वो तो इन लोगों के खिलाफ तो उन्होंने तो आरएसएस पे बैन लगाया था, तो ये कहां से उनकी सरदार पटेल की विरासत लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पद्मा अवार्ड देने के लिए कमेटी होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, भारत रत्न दिए जाने का प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रधानमंत्री खुद फैसला करते हैं या बाकी किन लोगों के सलाह पे होता है? एक प्रक्रिया होती है और प्रोरोगेटिव विशेष अधिकार सरकार को होता है और राष्ट्रपति को संस्तुति की जाती है। मतलब सरकार या प्रधानमंत्री को होता है? तो सरकार वो जो पूरा होता है, प्रधानमंत्री उसका हेड होता है गवर्नमेंट का। आप जेडीयू ने कहा है कि रामनाथ लोहिया को भी दिया, नीतीश कुमार ने, उन्होंने कहा ना कि सबको सब मांग करने का अधिकार है और इस मांग और लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है, उस हिसाब से दिया जाता है। और नीतीश जी तो केंद्र सरकार में भी रहे हैं, उस समय अगर उन्होंने डॉक्टर लोहिया को दिया होता तो सबको ही अच्छा लगता। धन्यवाद। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला का साफ कहना था कि कहीं न कहीं एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का पालन सरकार की तरफ से हुआ, और सचिन तेंदुलकर और पीसी राव को भारत रत्न देने का फैसला सरकार की तरफ से हुआ है, और बाकी जो भी मांग कर रहे हैं भारत रत्न देने की, उनको प्रक्रिया का पालन करना होगा।